Hello student, welcome back to our online YouTube classes. In previous lecture we will discuss about science chapter 3, the body system and main work of the our body organs, just like skeletal system, nervous system, muscular system, respiratory system, digestive system and other main body organs which can make our body functions, and the function of skeleton and muscular system, structure of skeleton, just like skull, the body framework within our body known as skeleton. And today we are going to discuss about very important topic, structures of bone and different type of bone structures, just like the skull, backbone, rib cage, limb and girdles, different types of joint. The skeleton and muscular system chapter 3, we are going to learn about first of all the skull. इसको समझने से पहले आप थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ बोन, हड्डियों के बारे में समझ लेते हैं. तो आप अपनी नोटबुक को उठा लीजिए मेरे साथ, यहाँ पर जैसे मैं बुक्स के आपको समझा रहा हूँ. देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन आर मेड अप ऑफ मिनरल, मेनली कैल्शियम एंड फास्फोरस. ऑन द आउटसाइड बोन आर वेरी हार्ड. देखिए, बोन जो बनी हुई रहती है ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी रहती है. ऑन द आउटसाइड बोन आर वेरी हार्ड. देखिए, हड्डी जो बाहर साइड से होती है, आउटसाइड का मतलब होता है बाहरी जो लेयर होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है. द इनसाइड ऑफ बोन कंटेन्ड अ जेली लाइक मटेरियल कॉल्ड अ बोन मैरो. आपने कभी मटन या चिकन खाया होगा तो जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं. न्यू ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो. जो न्यू ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स जो बनती है जहाँ पर बनती है वो कहते हैं बोन मैरो में बनती है. बोन्स आर लिविंग एंड कैन मैन देम सेल्फ इज ब्रोकन. देखिए, बोन्स एक करेक्टर होता है कि यदि ये डैमेज हो गई तो अपने आप में रिपेयर हो जाती है. देखिए, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है बोन में, और हार्ड जो स्ट्रक्चर है बोन का वो क्या होता है, और कैसे बोन जब टूट जाती है तो उसको रिपेयर कैसे किया जाता है. तो आइए, फर्स्ट टॉपिक जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्कल. स्कल के बारे में हम, स्कल आप जानते हैं कि क्रेनियम का ये जो पार्ट बना हुआ है जिसे स्कल कहते हैं. देखिए, द स्कल गिव शेप ऑफ आवर हेड. स्कल क्या करता है, अपने हमारे हेड को, सर को शेप प्रदान करता है. इट प्रोटेक्ट द ब्रेन. ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. इट हैज होल्स ऑफ आईज, नॉस्ट्रिल, माउथ एंड ईयर्स. द अपर पार्ट ऑफ द स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन इंटरलॉक टूगेदर. देखिए, जो अपर लेयर होता है हेड का, ये 8 फ्लैट बोन इंटरलॉक है. जो 8 बोन हड्डियां होती है वो एक दूसरे से इंटरलॉक रहती है और उससे मिलकर बना हुआ रहता है. फेस इज मेड ऑफ 14 बोन्स. जो हमारा फेस होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना हुआ होता है, ये 14 बोन से मिलकर होता है. जैसे आप स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये बोन का जो ऊपर का क्रेनियल पार्ट है, इसमें देखिए 8 फ्लैट आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, और जो ये हमारी फेस बोन है ये यहाँ पर 14 जो है आपको यहाँ पर इसकी हड्डियों के पार्ट दिखेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है द बैक बोन. सेकेंड टॉपिक इज द बैक बोन. इट इज आल्सो कॉल्ड द स्पाइन. देखिए, जो पीछे बैक का मतलब होता है पीछे, और बोन का मतलब होता है हड्डी. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है. ये स्पाइनल कॉर्ड वही है जो बैक बोन से होकर जाए. देखिए, बैक बोन का स्ट्रक्चर ये आपको दिखेगा. इट इज आल्सो कॉल्ड द स्पाइन. द स्कल इज अटैच टू द बैक बोन. जो हमारी स्कल है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये स्कल जो है मुंह पर रही है ये, और ये आपको एक डंडे नुमा संरचना आपकी पीठ से होकर जा रही है. तो ये जहाँ पर ज्वाइंट रहती है स्कल, ये अटैच रहती है इस पर एक्सियल रीजन पर. ये जो हमारा जो यहाँ पर अटैच रहती है उसे कहते हैं आपके एटलस कहते हैं, जो फाइनल रेज रहती है. तो द स्कल इज अटैच ऑफ द बैक बोन. देयर आर 33 स्मॉल बोन आर कॉल्ड वर्टिब्रा. ये हमारे जो
बैकबोन है, बैकबोन में 33 स्मॉल वर्टिब्रा पाई जाती है विच आर ज्वाइंट टूगेदर एंड फॉर्म द स्ट्रॉन्ग कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, जो क्या बनाते हैं एक स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाते हैं और जिसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। द ज्वाइंट अलाउ स्लाइटली मूवमेंट ऑफ द वर्टिब्रा दैट इज वाई यू कैन बेंड एंड ट्विस्ट यूर बैक। ये जो वर्टिब्रा होते हैं इसमें बीच में होती है कार्टिलेज और कार्टिलेज क्या करती है इस वर्टिब्रा को हल्का सा मूवमेंट देती है। जैसे देखिए बैकबोन, मैं इधर घूम सकता हूँ, ऐसे घूम सकता हूँ, आगे चल सकता हूँ, थोड़ा पीछे कर सकता हूँ। तो ये सारी एक्टिविटी किसके कारण हो रही है, ये जो स्मॉल कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें जो कार्टिलेज है जो है मूवमेंट हो पा रहा है। देखिए उसके बाद आता है रिब केज। देखिए जो वर्टिब्रा होता है इसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे सीएनएस सिस्टम या नर्वस सिस्टम को कंट्रोलाइज करती है, पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम को सीक्रेट करती है। तो ये हेल्प करती है कौन, ये वर्टिब्रा हेल्प करती है उसको प्रोटेक्ट करने के, जैसे हमारे ब्रेन को बचाने के लिए स्कल हेल्प करती है, ऐसे ही वर्टिब्रा कॉलम जो होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। उसके बाद आ जाता है रिब केज। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रिब केज क्या होती है, और जब आप श्वास साहस लेते थे यहाँ पर ये चेस्ट में जो ये कार्टिलेज लगी होती है, ये हड्डियाँ जो होती है बोन, इन्हें रिब केज कहते हैं। द रिब केज इज मेड अप ऑफ द 12 पेयर ऑफ द कर्व्ड रिब्स, कि 12 पेयर यानी 12 पेयर यानी 24 कर्व्ड रिब्स, ठीक है। देयर आर अटैच्ड टू द बैक बोन एट द बैक एंड ब्रिस्ट बोन इज फ्रंट, कि पीछे तो ये बैक बोन से अटैच रहते हैं और आगे जो है देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये यहाँ पर इस टाइप से बनेगा, और ये देखिए पीछे तो बैक बोन से अटैच्ड है और आगे जो है ये किससे अटैच्ड है, अटैच्ड ऑन द ब्रिस्ट बोन इन फ्रंट। द लोएस्ट टू पेयर ऑफ रिब केज आर ज्वाइंट ओनली टू द बैक बोन आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, यानी जो ये दो हैं लास्ट वाले ये पीछे पीछे बाइंड रहते हैं, आगे बाइंड नहीं रहते, जिन्हें क्या कहते हैं आपका फ्लोटिंग रिब केज कहते हैं। देखिए दूसरे लेक्चर में आपको लिंब और ग्रिडल्स के बारे में बताऊंगा, आज के लिए इतना ही। और एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, जैसे ज्वाइंट्स की, हाउ मेनी टाइप ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।